वीरवार को चंडीगढ़ के हरियाणा यूथ कांग्रेस समर्थकों ने जमीन अधिग्रहण और जमीन अध्यादेश को खत्म करने के विरोध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास का घेराव करना चाहा, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड सभी को सीएम निवास नहीं जाने दिया। यूथ कांग्रेस के यहाँ पे युवा जो हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं खट्टर सरकार के खिलाफ, जो हैं उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और सीएम के घर के बाहर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन बीच में जो है चंडीगढ़ पुलिस ने यहाँ पे उन्हें रोक लिया है। चंडीगढ़ पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हालांकि भूमि हमारी माँ है, उसे छीनो मत, जमीन अधिग्रहण को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के यूथ जो समर्थक है यहाँ पर मौजूद है और उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा सरकार, प्रदेश में जो भाजपा सरकार जब से आई है उन्होंने किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया है। हालांकि किसानों से बड़े बड़े वादे किए गए थे वो कोई भी पूरा जो है नहीं कर पाए, उसी के विरोध में जो है आज कांग्रेस के जो यूथ, कांग्रेस के जो यहाँ पे नेता हैं और उन वो जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीएम के निवास का जो है यहाँ पर घेराव करने के लिए जा रहे थे। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने जो है बीच में ही उनको रोक लिया है। हम आप दिखा देंगे सेक्टर 9 चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही यहां पर उनको रोक लिया गया है। भारी पुलिस बल जो है तैनात है मौके पर, डीएसपी यहां पर, एरिया एसएचओ जो है तैनात है, भारी पुलिस बल जो है, वाटर टैंकर यहां पर लगाए गए हैं। लेकिन उनका यूथ कांग्रेस के समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि वो सीएम के घर का घेराव करेंगे और उनको जिनकी जो मांगे हैं जमीन अधिग्रहण का मेन जो मामला है, जो मसला है, उनको जो है किसानों के हित में जो है बात की जाए, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो उनकी बात की जाए। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो ऐसी इसी तरह जो है प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, जिसमें महिला और यूथ के कांग्रेस के जो है नेता वो शामिल हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि खट्टर सरकार के विरुद्ध नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो मिलकर उन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खट्टर सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल भी जो है तैनात किया गया है और वाटर टैंकर जो है वो भी यहाँ पर पुलिस ने जो है लगा दिया गया है। लेडीज़ कांस्टेबल पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हालाँकि साफ तौर पर यूथ कांग्रेस के वर्करों का कहना है कि उनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होती, जब तक जो है उनको नहीं, उनका विरोध प्रदर्शन जो है उनका चलता रहेगा। हालांकि पुलिस ने जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं उनको रोकने के, यहाँ पर बैरिकेड जो है लगाए गए हैं, वाटर टैंकर जो है यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती जब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डी एन आई न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।